एक ये वाला है और भाई दूसरा ये वाला है। इनके जर गया ना, अभी इसने बिल्कुल साफ करके दिखाऊंगा, अपनी रिवॉल्वर ना और करके दिखाता हूँ इसको, इसको भी कैसे साफ करते हैं। इसका भी अलग से किट आती है, जैसे उसकी किट है ना बड़े वाली। राम राम भाई, सारे ने सबका क्या हाल है भाई, सब बढ़िया। तो आज भाई मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे हम अपना लाइसेंस हथियार नहीं रखे हैं घर में भाई, तकरीबन बनवा रहे होंगे बहुत सारे, काफी आगे नहीं भी बन रहे हैं, लेकिन जिनके बन रहे हैं तो उन तक एक बात बताता हूँ। जैसे हम इसकी सफाई करवाओ हैं और सफाई करवाओ हैं तो कम से कम भी 2-3 हज़ार रुपये सफाई वाला ले ले हैं। वो 2-3 हज़ार रुपये ना लगा के आप खुद सफाई करो ना तो वो बेस्ट है। और उसकी कैसे सफाई होती है वो करके दिखाऊंगा मैं आपने। देखो मैंने तो आज तक 20 साल हो गए, मैंने आज तक कदे सफाई नहीं करवाई कितने भी, अपने आप खुद करा करूँ। और आज मैं अपने असले का खुद दोनों की पूरी सफाई करके दिखाऊंगा आपने। एक ये वाला है और भाई दूसरा ये वाला है। इनकी सफाई खुद करनी चाहिए, वो दिखाता हूँ मैं आपको भाई, कितने गंदे भी हो रहे होंगे क्योंकि काफ़ी दिन हो जाए ना, तो इस नली के अंदर है ना सारे में जर लाग जाए, और जर लाग जाए तो उससे फिर आप कभी भी फायर करोगे ना तो वो नली के अंदर फटन का वो खतरा रहे है, क्योंकि आगे ने जब तक उसने रास्ता नहीं मिला साफ तो आगे नहीं कुछ चल लगा। तो आज हम इसकी सफाई करके दिखाते हैं आपको, ठीक है भाई यार। 2-3 हज़ार रुपये कम नहीं होते बचाना, तो 2-3 हज़ार रुपये बच जाएंगे। अभी देखते हैं, और देखो आपने दिखता होगा इसमें, दिखा है कि नहीं दिखता, बेरा नहीं। देखो बिल्कुल मतलब अंदर से जर रहा है। तो आज इसकी सफाई करके दिखाते हैं अभी आपको, जो इसके अंदर जर ना लगे तो उसके लिए क्या चाहिए हमने। देखो WD-40 आता है ये, तो WD-40 लेके आओ और अपने हथियार जर तक बचाओ। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और दिखाता हूँ क्या आता है। एक इसकी किट आती है भाई पूरी, ये वाली जो भी हथियार जिसने खरीदे हुए ना उनके सबके साथ मिलती है, अपने आप देखी भी होगी आपने पहले, जिनके पास हैं वो तो समझ जाएंगे ये किट साथ में मिलती है। और इस किट में क्या सामान है वो दिखाता हूँ आपने। देखो एक तो ये रोडो है, ये पूरी पूरी लंबी हो जाए क्योंकि दुनाली साफ करने के लिए तो ये रोड पूरी काम में लेनी पड़ेगी इसके लिए अपना। और आगे एक ये होता है जिसने झरने पीतल का हो है वो पूरी की पूरी सारी, जैसे मतलब इसने एक एक चीज़ ने अंदर तक कितनी रगड़ का तार देगी, अभी दिखाऊंगा मैं आप तो कैसे होगा, रेडी हो गया। दूसरा इसके अंदर एक होता है अपना ये कपड़ा, जितना भी जर पकड़ उसका उतरेगा उस सारे जर ने बाहर काट देगा। अखबार बिछा लूँ ताकि नीचे तेल ना खंडागा। पहले इसने खोलनी पड़ेगी, नहरी नहरी करनी पड़ेगी, या जब भी जाकर साफ होगी भाई बेल्ट हटा के। देखो जिन भाइयों ने खुद नहीं करनी आती, जो कराओ ना 2-3 हज़ार रुपये देकर कोई फ़ायदा नहीं है, अपने आप हो सकती है ये चीज़। यहाँ से देखो इसमें दबाओगे ये उठ जाएगा अलग से, इसको निकालने के लिए खोल दिया ये खुल गया। ये देखो ध्यान से देखो, दिखता होगा जर गया ना, अभी इसने बिल्कुल साफ करके दिखाऊंगा। अगर जो इसको 6 महीने मतलब 6 महीने से ज़्यादा 2-3 महीने में एक बार साफ नहीं करी ना तो ये ख़त्म है हथियार, है किसी काम का नहीं। फिर तो अपना इन्हें हिला गए मार गए, थोड़ी देर रख दो ताकि जो छोटा मोटा जर पकड़ रहा है उसने इतने काम कर जाए इसके ऊपर सारे ने काट दे। ये देखो भाई इस तरीके से इसमें मार गए और अब देखो नीचे निकलने लगे ना, अब इसका काम है। ये देखो ये ऐसे ऊपर तक डाल लिया और ऐसे इसमें घुमा दो दोनों में, इस तरह सारा जर कट जाएगा जितना भी इसमें लग रहा होगा ना, बिल्कुल नली बिल्कुल साफ हो जाएगी। ये देखो कत्तल सी लकड़ा है। और वैसे तो भाई हथियार रखना अच्छी चीज़ तो होती नहीं, पर बनवा लिया था लाइसेंस तो इसकी केयर तो करनी पड़ेगी। अब ये तो है नहीं कि भाई इसने कोई और करेगा। आ देखो कति कति अंदर था
साफ हो गया है। ऐसे अब ये घुमा दिया। अब इसमें इसने अगले ने फिर खोल गए प्लास्टिक के जो छोटा मोटा और थोड़ा रह गया ना, वो थोड़ा कम मोटा है, ये थोड़ा ज़्यादा मोटा है, ताकि भाई इसमें और टाइट घूमेगा, छोटा मोटा कुछ और रह जाएगा तो वो भी साफ़ हो जाएगा इससे। ये देखो ये तो इसमें पूरा टाइट घुमाना पड़ेगा, जोर लगा भाई। ऐसे अब इससे क्या होया होगा, छोटा मोटा जो छोटे छोटे भी कण रह जाए वो भी साफ हो जाए हैं। अब देखो एक बारी इब्बा मैंने इसमें वो भी नहीं मारा है फलंतरू, उसके बगैर इतना साफ हो गया कति। अब आपको इसके अंदर उसने जो इसमें जर तारा है वो कड़ा कड़ा सारा मैल है ना, अब उसने देखियो कति अंदर तो निकाल लिया होगा। अब ये देखो ये ऐसे कैसे इसके अंदर डाला और ऐसे मार दिया, जो भी कुछ होगा पूरा साफ। ऐसे दूसरी नली में ये है इस चीज़ का फर्क। अब ये छोटे वाला है जैसे, अब इससे ये जो इसके पीछे का हिस्सा था यहाँ जर पकड़ा था मैंने दिखाया, देखो जरा अब इसको अच्छी तरह दिखाता हूँ, देखो ध्यान से देखो, दिखा कड़ा कड़ा हो रहा। अब इसको अभी आपको इसको हटा के दिखाता हूँ, रखे रखे तो जर पकड़ जाए, फिर जर एक बारी लग गया तो आपका हथियार बेकार है, फिर किसी काम का नहीं है, वो कभी भी फट सकता है, आपके हाथ में भी फट जाएगा, तभी तो चोट लगे। कई बार कहे ना कि भाई चलाते वक्त फट गया, ये हो गया, वो हो गया, वो यही कारण होता है उसका फटने का, क्योंकि टाइम पे इसकी सर्विस करवाते नहीं लोग, करते भी नहीं, मैं तो करवाता कभी भी नहीं भाई, खुद करता हूँ। ये देखो चमक गया ना, ये फर्क है भाई। अपनी रिवॉल्वर ने और करके दिखाता हूँ इसको, इसको भी कैसे साफ करते हैं। इसका भी अलग से किट आती है, जैसे उसकी किट है ना बड़े वाली, तो ऐसे छोटी किट इसकी भी आती है। इसको भी ऐसे अपना खोला, पहले थोड़ा हर जगह इसको मार देते हैं, नाड़ी के अंदर भी और भाई इसके अंदर भी, क्योंकि इससे ये फायदा होगा आपके अंदर, इसमें हथियार के अंदर भी गया ना केमिकल, मतलब ये स्प्रेजा है, तो इससे ये भी फायदा है, कल को ये इसके अंदर भी जर नहीं लगने देगा, इसके पार्ट्स आने सेफ रखेगा। क्यों भाई देखो मैंने तो 20 साल हो गए, मैं तो ऐसे ही खुद करूँ हूँ, और बाकी कोई और भाई दूसरे तरीके से करता हो तो दुकान वाले मन्नत गाड़ बकी हो ना, इस बात ने उन भाइयों तो ही बताऊँ हूँ। ये देखो इसकी भी पतली पतली होती है, ऐसी जैसे उसकी पित्तल की थी ना, ऐसे इसकी पतले वाली होती है। इसको ऐसे घुमाओ इसके अंदर से, ऐसे ऐसे दूसरी में, अपने पाँचों छः उंगलियाँ की जगह जहाँ होती है इनके खाँचे, बिल्कुल साफ हो जाएंगे। थोड़ा बहुत भी रह जाएगा ना, तो उसके बाद कपड़ा मारेंगे ना, वो उस तो साफ हो जाएगा, क्योंकि आप चलाओ या ना चलाओ लेकिन हथियार को साफ रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें ऐसे चूड़ी चढ़ाओ और भाई इसको ऐसे हो गया ना, ऐसे ही अब इसको यहाँ पे पीछे अपना छोटा मोटा जर याड भी रह रहा हो तो इसको ऐसे यहाँ भी रगड़ दो। उसके बाद ये कपड़े वाला है, कपड़े वाले ने ऐसे अपना लिया इसके, ये देखो बिल्कुल साफ, अंदर तो दिखता नहीं होगा आपने, मन दिखा है बिल्कुल साफ, शीशे की तरह चमक गया। मुश्किल तो है ना, ये समझो आप के ना 15 मिनट का काम है हथियार साफ करने का, 15 मिनट में ओके हो जाएगा। पूछ कर अपना पैक करके रख दो ताकि फिर अरे भाई ये जिन्हें द्वारा हथियार लाइसेंस के ना उनके लिए बता रहा हूँ मैं, जो भाई है दराक है वो करा उनके लिए नहीं, वो पड़ा भाई कुछ करियो। ये देखो ओके टनाटन बिल्कुल, अब ये सूख कर तैयार हो गई है इसको पैक करने के लिए। भाई आ जा भाई आ जा अंदर, का इसमें एक पिन है या, अरे आ जा अंदर केक रहेगी,
ये सरका दी, इसमें भी मार देना कहा कि इसमें भी जरा अंदर अंदर ना पकड़े। अब देखो थोड़ा बहुत सा लग रहा होगा, अब इसमें सही हो गया, वो भी कट जाए जो छोटा मोटा वो है थोड़ा बहुत सा। अरे भाई अब इसको ये देखो हो गया ना। अब इसके ऊपर ऐसे ही ये लकड़ी वाला इसको ऐसे डाला, ये आपका हथियार रेडी चलाने के लिए। बिल्कुल ओके हो चुका है साफ। तो ये देखो कितनी आसान, कितनी आसान प्रक्रिया साफ करने की। आपके कम से कम भी दोनों के 4-5 हज़ार रुपये बच गए। मकसद यही दिखाने का था कि भाई लोगों ने अपने आप भी अपने हथियार को साफ कर सकते हो, कि भाई ज़रूरी नहीं कि आप किसी ने किधर दुकान पर करवाओ, जिस भाई तो नहीं हो दुकान पर करवा लो। बाकी भाई मैं तो 20 साल तक अपने घर ही साफ करूँ और आज तक ऐसे कैसे नए के नए हैं बिल्कुल ठीक है भाई। तो मेरा मोटिव सिर्फ यही था इसको दिखाने का, वीडियो बनाने का, कि भाई अपने आप भी हथियार को हम साफ कर सकते हैं। बाकी भाई मेरा मोटिव सिर्फ इतना ही था हथियार साफ करके दिखाने का, कि भाई जो हम दुकान पर पैसे दे का हो ना वो बच जाएं, हम अपने हथियार ने अपने आप साफ कर लेवे। एक चीज़ और भाई, वीडियो ने पसंद आओ तो लाइक ज़रूर कर दियो ठीक है, और शेयर का बटन दबा दियो। आपका कुछ नहीं जाता, हमारा वीडियो बनाने की मेहनत सफल हो जाए और अगर वीडियो बनाने तक भाई मोटिवेशन मिला है कि भाई और भी वीडियो बनाओ है, कि आप लोगों का जितने लाइक आओगे ना उतना ज़्यादा बनाने का जी करेगा है ठीक है भाई। तो भाई ज़्यादा आप कुछ ना कहते हो, आप लोग टाइम ना लेगा, तो वीडियो का एंड करते हैं। राम राम भाई।